ये हमारे पास एक किसान है जो अनाज मंडी में सरसों लेके आए हैं। आपकी सरसों क्या भाव बिकी? 7150। 7150। कौन सा गांव है अपना? गांव रायब का। रायब का है। और कितनी बोला है सरसों की? कम इलाज 500 बोल रहे। 500। अच्छा अच्छा। लैब कितनी है आपकी? 39 लैब है। 7150 है। लैब कम है अपने आप सरसों में। लैब कम है। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, मैं ये अलवर अनाज मंडी में आपका स्वागत करता हूं। और मैं इस समय हमारे पास एक व्यापारी बैठे हैं, इनसे मैं आज के जो मंडी भाव है पूछ लेता हूं। आज ग्वार का क्या रेट रहा? ग्वार 7098 का भाव है। अच्छा, कोल बढ़िया ग्वार का भाव 7098। 98 क्या होता है? 98% सफ़ेद, 2% ब्लैक। ये ग्वार का रेट कल से टूटा है क्या? 2000 रुपये का मध्य मानो कल मेरा। हाँ, अच्छा। और सरसों क्या रेट रही? सरसों 77-75, 42 कंडीशन। ये 42 कंडीशन अपने अलवर के मंडी में बिकती है, कहीं और भी बिकती है? नहीं, और मंडियों में यही भाव है। 42 कंडीशन का से? बयालीस मतलब गुणवत्ता 42 कंडीशन से निकल। और क्या नाम है, गेहूँ क्या रेट आज? गेहूँ 1900 रुपये। गेहूँ में आते जी है कल से? आज लगभग 500 रुपये। और बाजरा? बाजरा 1500 रुपये। बाजरा भी लगभग आज बाजार तेज ही रहा है। 40-50 रुपये से कल से। और चना? चना मानो 53-53। चना में भी आज तेजी है। हाँ। और मतलब अपने पास सरसों आई है? हाँ, सरसों आई है ना। क्या रेट बिकी है? नॉन कंडीशन सरसों थी 7150 बिकी। ये कितनी लैब आ रही थी लगभग उसकी? 38 लैब आ रही थी। और कपास अभी चालू हुई है? नहीं, कपास चालू नहीं हुई। कपास आई थी कल, 3-4 पल्ली आई थी पड़ोस में दुकानदार। अच्छा, वो क्या रेट बिकी थी? वो गीली कपास थी, गिट्टी थी, उसमें 5500 रुपये बिकी थी। 5500। और वैसे बढ़िया कपास का क्या रेट है? 7-7.5 हज़ार। और सुनने में आ रहा है कपास में और भी तेजी रहने की उम्मीद है? कपास सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है, देखो आगे क्या रहता है। हाँ, अच्छा, चलो, ये किसानों कुछ तो मतलब फायदा मिलना चाहिए इन चीज़ों से। चीज़ के ठीक है किसानों। हाँ, प्याज में जो है मायूसी छाई पड़ी है। हाँ, प्याज में जरूर मायूसी छाई। बाकी थोड़ा सा अनाज मंडी से थोड़ी सी किसानों में राहत की खबर है। ठीक है, धन्यवाद।